बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। यहां अपराधियों ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यालय में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। दियारा इलाके से आए नाव पर सवार दो दर्जन से अधिक अपराधियों ने राजापुर पुल के पास पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस को निशाना बनाया, जहां अपराधियों ने 150 लोहे का चैनल समेत कई अन्य सामान लूट लिए। पूरा मतलब वो गाली वाली देने लगा। क्या में आपके साथ क्या घटना? कितने बजे की घटना है? कम से कम करीब 12 बजे के लपेट में आया वो लोग। अब आके हम लोग कपार पे गन रख दिया और फिर बोल रहा है फोन सब निकाल लिया जेब में से, अब बोल रहा है कि चलो बैठो यहाँ, बात उत किया तो तुरंत गोली मार देंगे। और मतलब गाली वाली देने लगा वो, बैठा के रखा हम लोग को। कितने की संख्या में? 25-30 के संख्या में था वो लोग। 30-30 से आया था, नाव से आया वो लोग। सब हथियार लिए हुए था? सब हथियार लिए हुए था। एक आधी था जिनके पास हथियार नहीं था, नहीं तो बाकी सब पे हथियार था। क्या बोला आपको? मतलब वही बोल रहा था, गंदा बोल रहा था हमको। अब बोला बैठो, अगर कुछ बात उत किया चाहे आवाज किया तो तुरंत मार देंगे तुम। बंधक बना लिया आप लोग? बंधक बना लिया, बैठा दिया जमीन पे, फोन ले लिया, जेब चेक किया जो मिल रहा था, एक आध कार्ड का पैसा भी ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया। और यहां का सामान क्या क्या ले गया? सामान हम लोग को फिर बैठा दिया उधर कास्टिंग आर्ट के पीछे गड्ढा में। अच्छा, हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि सामान क्या ले जा रहा। हम लोग को बैठा है, 4 आदमी हम लोग को पहरा दे रहा है कि लोग कुछ नहीं कर पाए। और फिर वो लोग सामान ले गया और देखे कि जब बोर्ड चला गया तो हम लोग उठ गए, अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन दे दिए। किस चीज़ से आया था वो लोग? बोर्ड से आया था। बोर्ड भागा कैसे? भागा वो लोग गंगा जी से निकल गया बोर्ड से। तो आप लोग हल्ला किए उस समय? हल्ला नहीं किया, सीनियर को बता दिए। अच्छा, बस फिर आया सीनियर लोग देखा, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आया जाँच पड़ताल किया, फिर हम लोग को भी ले गया चौकी में पूछताछ किया। हथियार किस टाइप का लिया हुआ था? हथियार सबका बड़ा बड़ा गन था, बड़ा बड़ा। वही मामले की जानकारी मिलते ही अगले सुबह बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। तो मामले की जानकारी मिलते ही मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी और कई थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई। एक मोंटे कार्लो का कास्टिंग यार्ड है गंगा के किनारे, तो अभी पानी काफी बड़ा हुआ है, रात में काम नहीं चल रहा था। वहीं पर नाव के सहारे करीब 20 अपराध कर्मी आए वहाँ, और उस कास्टिंग यार्ड में लोहा का एंगल है करीब, हमको लगता है 1.5 टन होगा, प्लास्टिक का कुर्सी है, पानी स्टैंड है, कटिंग मशीन वगैरह जो कुछ होता है जो लोहा वगैरह का वही लेकर गए। मोंटे कार्लो करती क्या? मोंटे कार्लो कास्टिंग यार्ड में वो जो रोड बनता है कंक्रीट वगैरह का वो तैयार करता है, और उसको ले जाकर फिर जहाँ रोड बन रहा है वहाँ पर बंद करता है। कितने का सामान जो चोरी हुआ? वो अभी वो लोग अपना ये कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट किया है। सभी लोग नाव से आए थे? हाँ, एक ही नाव से, बड़ी नाव थी जैसे कि लोग बता रहे हैं। आगे आगे ले गए? पुलिस की गश्ती होती है क्या नाव से? नाव से तो इस साइड में अभी नहीं हो रही है, तो पानी काफी बढ़ा हुआ है। प्रोजेक्ट ऑफिस में लूट के इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना पुलिस ने इस मामले में उद्भेदन के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में कई थानों की टीमों को लगाया है। प्रोजेक्ट ऑफिस में सुरक्षा के लिहाज से गार्ड की भी तैनाती थी, लेकिन गार्ड की संख्या कम थी और गंगा का जलस्तर बढ़ा था और पानी भी प्रोजेक्ट ऑफिस में घुस गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।